से पहले इसराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है। इसराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि मजदल शम्स में हुए हमले की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए और इसकी कीमत हसन नसरल्लाह को चुकानी होगी। सवाल है कि क्या इसराइल ने नसरल्लाह के लिए कफन तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल सीरिया और लेबनान के ट्राई जंक्शन पर यह है मजदल शम्स का इलाका और यहाँ युद्ध का सायरन बता रहा है कि ये इलाका एक बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध चौथी स्टेज में पहुंच चुका है। चौथी स्टेज के मायने क्या है और पांचवी स्टेज में क्या हो सकता है इसे समझिए। पहली स्टेज में इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर गोलीबारी, दूसरी स्टेज में इजरायली सेना और हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी, तीसरी स्टेज में इजरायली अड्डों पर धमाके और हिजबुल्ला के कमांडरों का खात्मा, चौथी स्टेज में इसराइल और लेबनान के नागरिक ठिकानों पर हमले। अब पांचवी स्टेज में सबसे बड़ा हमला या तो बेन्यामिन नेतन्याहू पर होगा या फिर हसन नसरल्ला को मार डालेगा इसराइल। मजदल शम्स में 12 लोगों की मौत हुई है, इसमें 11 बच्चे थे। इसराइल ने इस धमाके और इस बहुत बड़े हमले के लिए हिजबुल्ला को दोषी ठहराया है। इसराइल ने यह भी बताया है कि हिजबुल्ला ने कौन से रॉकेट से हमला किया है। जिस जगह ये रॉकेट गिरा वहाँ इस तरह का नुकसान हुआ है, यहीं पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई मिली, यहीं पर रेलिंग भी तहस नहस पड़ी थी। लेकिन हिजबुल्ला ने साफ इनकार कर दिया है कि ये धमाका उसके रॉकेट से नहीं हुआ है। हसन नसरल्ला ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन नेतन्याहू ने यह जिम्मेदारी नसरल्ला पर डालते हुए हिजबुल्ला को बड़ा सबक सिखाने की ठान ली है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने सबसे बड़ा टारगेट हसन नसरल्ला को बनाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि लेबनान में नसरल्ला के हेडक्वार्टर पर इसराइल की मिसाइलों की नजर है। इसराइल के फाइटर जेट लगातार गश्त लगा रहे हैं। हसन नसरल्ला यानी हिजबुल्ला चीफ और अब इसराइल नसरल्ला का काम तमाम करना चाहता है। נרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהאמרות הללו. אנחנו מחבקים את המשפחות. אני אכנס מיד את הקבינט הביטחוני עם הגעתי. אני יכול להגיד שמדינת ישראל לא תעבור על כך בשתיקה. לא נעבור על כך לסדר היום. बेन्यामिन नेतन्याहू के इरादे अब वॉर कैबिनेट में भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसराइल की वॉर कैबिनेट ने मजदल शम्स में हुए हमले की जवाबी कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। इसराइल के वित्त मंत्री बेजिलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि छोटे बच्चों की मौत की कीमत नसरल्ला को अपनी जान से चुकानी होगी। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा कि हिजबुल्ला ने रेड लाइन यानी लाल रेखा क्रॉस कर दी है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने कहा है कि हमला कैसे होगा, हमले का वक्त क्या होगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री नेतन्याहू तय करेंगे और रक्षा मंत्री यो गैलेंट फाइनल करेंगे। क्या ये माना जाए कि इसराइल ने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला को मारने का प्लान बना लिया है? क्या ये माना जाए कि इसराइल की मिसाइल ने हसन नसरल्ला की तलाश शुरू कर दी है? जैसे इस मिसाइल को मौका मिलेगा ये हसन नसरल्ला के ठिकाने पर पूरी ताकत के साथ ब्लास्ट करेगी। क्या लेबनान और इसराइल के युद्ध में सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? עברתי לפיקוד הצפון כדי לראות את תוכניות התגובה. מדובר על חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה. גם בהכחשות המגוחכות שלו, הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. इसराइल की फौज इस वक्त उत्तर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर लेबनान के साथ उसके बॉर्डर पर लगी ये आग युद्ध की है।
जिसमें हिजबुल्ला अब इसराइल को पूरी तरह जलाना चाहता है। हसन नसरल्ला की लीडरशिप में हिजबुल्ला बार बार बोल रहा है कि लेबनान की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखना, नहीं तो तेल अवीव से लेकर हाइफा और अश्केलोन तक इसराइल का हर शहर आग के हवाले कर दिया जाएगा। हिजबुल्ला की इसी धमकी को खत्म करने के लिए अब इसराइल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्ला शुरू कर दिया है। इसराइल की फौज अब हिजबुल्ला के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्ला के रोजाना हमलों से परेशान इसराइल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है और इसे ही इसराइल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। इस वक्त इसराइल के फाइटर जेट गाजा से ज्यादा लेबनान इसराइल के बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे हैं। इसराइल की एयरफोर्स 24 घंटे उस इलाके की निगरानी कर रही है जहां पर हसन नसरल्ला के छुपे होने की खबर है, जहां नसरल्ला का बंकर बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से लेकर टोल लेने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल की एयरफोर्स KF-16 से लेकर F-15 और F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को नेतन्याहू ने इसी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। यही है इसराइल की फौज का ऑपरेशन नसरल्ला। ऑपरेशन नसरल्ला यानी हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप का खात्मा, यही इसराइल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या ऑपरेशन नसरल्ला को इसराइल पूरा कर सकता है? देखा जाए तो 2024 में जुलाई का महीना इसराइल के लिए ही नहीं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने चार बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। नेतन्याहू के सामने पहला फ्रंट गाजा का है, जहां वो हमास को हराने में अब तक नाकाम रहे हैं। नेतन्याहू के सामने दूसरा फ्रंट लेबनान का है, जहां से हिजबुल्ला लगातार इसराइल को जख्मी कर रहा है। नेतन्याहू के सामने तीसरा फ्रंट यमन है, जहां 2000 किलोमीटर से दूर भी हूथी तेल अवीव को टारगेट कर रहे हैं। नेतन्याहू के सामने चौथा फ्रंट इसराइल की पब्लिक है, जो सड़कों पर उतरकर बार बार सीज फायर की मांग कर रही है। ये बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से डील पक्का करना चाहती है। मजदल शम्स के लोगों ने भी इसराइल, हिजबुल्ला और हमास से युद्ध को खत्म करने की अपील की है। 12 लाशों को देखकर यह इलाका गम से डूबा हुआ है। जब इन बच्चों के जनाजे एक साथ निकले तो माहौल देखकर हर कोई सन्न था। मजदल शम्स में डूज ईसाइयों की आबादी है। डूज ईसाई लेबनान में भी रहते हैं, सीरिया में भी इनकी बड़ी आबादी है और उत्तरी इसराइल में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। He says, we need to strive now to sign a deal and stop this damned war. We want to live. We don't want to die. अब इसराइल की सड़कों पर भी नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही पूरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहीं कि इसराइल की सरकार पर वहीं की पब्लिक सवाल उठा रही है, क्योंकि करीब 120 बंधक अब भी हमास की कैद में हैं और अब इसराइल गाजा से निकलकर लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा है। ये बात नेतन्याहू के बयान से साबित होती है। इससे पहले इसराइल के हमलों से हिजबुल्ला को बार बार झटका लग रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के जनाजे निकल चुके हैं और अब भी निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें हिजबुल्ला के 330 से ज्यादा लड़ाके और कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन इसराइल का ये दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरान और हिजबुल्ला के डबल गेम को काउंटर करने के लिए इसराइल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इसराइल में तनाव है, तनाव में दबाव है। इसराइल के सामने ईरान ने अब हिजबुल्ला और हूथी का संकट गहरा गया है। फिलिस्तीन इसराइल युद्ध की आग फैलती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसराइल को उसके घर में घुसकर मारने की वार्निंग दी है। इसराइल ने भी इसका करारा जवाब दिया। एर्दोआन का हश्र भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह होगा। सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया गया था। सवाल है कि क्या अब दुनिया को एक और युद्ध झेलना पड़ेगा? इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की
और दूसरी है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। एक साथ इन दोनों की तस्वीरें पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही हैं। एक साथ दोनों की तस्वीरें जारी की हैं इजराइल की विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स ने। इजराइल की यह तस्वीर जवाब है तुर्की को, लेकिन किस बात का जवाब, इसकी डिटेल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में एर्दोगान की खुली धमकी, इजराइल में घुसकर तुर्की करेगा हमला। एर्दोगान ने कहा कि लीबिया की तरह इजराइल को मारेंगे, नागोर्नो काराबाख की तरह इजराइल को तबाह कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इजराइल से दुश्मनी पालते हैं, लेकिन अब तक हमास के लिए इजराइल में घुसकर उसे तबाह और बर्बाद करने की धमकी नहीं दी थी। ये पहली बार हुआ है कि एर्दोगान ने सीधा इजराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। एर्दोगान के तेवर देखिए और उनके शब्दों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि बयान के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखकर लगता है कि अब फिलिस्तीन इजराइल जंग में डायरेक्ट होने जा रही है तुर्की की एंट्री, मतलब इजराइल तुर्की का युद्ध तय है। bizim ithalat ihracatımız neydi, nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. एर्दोगान के बयान के जवाब में इजराइल ने तुर्की को चेतावनी दी। इजराइल ने कहा कि एर्दोगान का अंजाम इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा होगा, जिसे फांसी दी गई थी। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, इजराइल पर हमला करने की धमकी देकर एर्दोगान सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां क्या हुआ और कैसे खत्म हुआ। अपने इसी एक्स पोस्ट में इजरायली विदेश मंत्री ने सद्दाम हुसैन और एर्दोगान की फोटो भी शेयर की है। एर्दोगान इजरायल के गाजा में सैन्य अभियान के कट्टर विरोधी रहे हैं और अब खुलकर इजरायल को सबक सिखाने की वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि बड़ी चतुराई से एर्दोगान ये टाल गए कि इजरायल पर वो हमला कब करने वाले हैं। एर्दोगान ने अपने बयान में जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख की तरह इजराइल में घुसने की धमकी दी है, उन दोनों जगहों पर तुर्की ने क्या किया था, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इजराइल मुस्लिम देशों के बीच बसा यहूदी देश है। गाजा में इजराइल के घुसने का विरोध सारे मुस्लिम देश कर रहे हैं, लेकिन जो देश खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हैं उन तुर्की, ईरान, लेबनान, यमन जैसे देश शामिल हैं। ईरान के समर्थन से यमन के हूथी विद्रोही और लेबनान का हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तुर्की की सेना ने लीबिया में 2020 में संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड ऑफ लीबिया का समर्थन किया था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को तुर्की का समर्थन मिला। तुर्की ने यह इसलिए किया क्योंकि इसका मकसद था लीबिया के बाजार में तुर्की कंपनियों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख संघर्ष में भी तुर्की ने अपनी भूमिका निभाई थी। तुर्की ने अजरबैजान को सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण सहायता मुहैया कराई थी। एर्दोगान के इजराइल में सैन्य कार्रवाई की धमकी उस समय आई है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेतन्याहू के ऐलान के मुताबिक गाजा में हमले हमास के आखिरी आतंकवादी की मौत तक जारी रहने वाले हैं, जाहिर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।